24-25 फरवरी को 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में आने वाले 7वें राष्ट्रपति होंगे। इनसे पहले 2010 और 2015 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी आ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए भारत में तैयारियाँ जोर शोर पर हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की इस भारत यात्रा के दौरान उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात के अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में किया जाएगा, जहां वह उसका उद्घाटन भी करेंगे, जिनकी अगुवाई खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट पर ट्रंप को रिसीव करने भी पहुंचेंगे। वहीं ट्रंप की इस यात्रा को लेकर अहमदाबाद में चल रही तैयारियों के बारे में एक अधिकारी ने बताया कि इस यात्रा की तैयारियों पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। इसमें ट्रंप का 3 घंटे लंबा रोड शो भी शामिल है। साथ ही झुग्गियों को छुपाने के लिए 400 मीटर की लागत से नवनिर्माण दीवार भी शामिल है। ट्रंप भारत दौरे को लेकर काफी उत्साहित भी देखे जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप गुजरात के बाद अपनी पत्नी मेलेनिया के साथ 24 फरवरी को शाम 5 बजे के आसपास आगरा भी पहुंचेंगे, जहां पर सूर्यास्त से ठीक पहले ताजमहल का दीदार करेंगे। ट्रंप को राष्ट्रपति भवन में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा, जहां पर इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे। ट्रंप के आगरा दौरे और ताजमहल देखने के कार्यक्रम ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खासा परेशानी में डाल दिया है। पिछले साल योगी ने ये कहकर सबको चौंका दिया था कि ताजमहल से उत्तर प्रदेश की पहचान नहीं है। दरअसल यूपी सरकार ने प्रदेश के पर्यटन स्थलों की जो सूची जारी की थी, उसमें ढेर सारे मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों में से आगरा के ताजमहल का नाम गायब था। विवाद उठने पर योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की पहचान ताजमहल से नहीं है। अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ताजमहल देखने आ रहे हैं, तो योगी जी जान से ताजमहल को संवारने में लगे हैं। प्रदेश सरकार इस दौरे से इतना उत्साहित है कि आगरा में हवन करके भारत अमेरिकी संबंधों के प्रगाढ़ होने की कामना की जा रही है। ट्रंप ताजमहल के दीदार को अपनी किस्मत बता रहे हैं, तो ट्रंप के दर्शन से योगी आदित्यनाथ अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं।